न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन था, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपने पिछले स्कोर 62 रन पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया था। वहीं जहां न्यूजीलैंड की टीम आज जल्दी जल्दी रन बनाने के चक्कर में शुरुआत में अपने जल्दी विकेट गंवा रही थी, इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम 169 रन बनाकर अपनी सेकेंड इनिंग समाप्त करती है, जहां सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 36 रन टॉम लेथन ने बनाए, वहीं रॉस टेलर 33 रन बना पाए थे। और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम 169 रन बनाकर अपनी सेकेंड इनिंग डिक्लेयर करती है। वहीं इंग्लैंड की तरफ से सेकेंड इनिंग में भी ओली रॉबिसन को सबसे ज्यादा 3 विकेट हाथ लगी थी, और इसी के साथ अब इंग्लैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए 273 रन बनाने थे। और टारगेट का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की टीम के शुरुआती 2 विकेट 56 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। वहीं इसके बाद जो रूट भी 40 रन बनाकर आउट हो बैठे, लेकिन दूसरी तरफ खड़े डोम सिमली ने 97 ओवर में अपनी 50 पूरी कर ली थी। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम 170 रन बनाई थी, तब 5वें दिन का खेल खत्म हो गया था, और इस वजह से ये पहला टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहा। वहीं ये मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 10 तारीख को खेला जाएगा। वहीं इंग्लैंड की तरफ से डोम सिमली 60 रन और ओली पोप 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और इसी के साथ ये पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। दोस्तों, आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।